दोस्तों, ये वीडियो मैं जो है मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बना रहा हूँ मैं। और हमारा तकरीबन 15 दिन का टूर रहा, सीखना सिखाना, ज्ञान बांटने का। ठीक है, तो आज 7 तारीख है और अभी तकरीबन 4:30 बज रहे हैं, 4:45-5 का टाइम हो रहा है। हमने एयरपोर्ट में अंदर एंट्री कर ली है और हमारी फ़्लाइट जो है 7:20 पर है। ठीक है, तो बॉम्बे से अब हम चल रहे हैं दोस्तों। मगर बॉम्बे से जो हमें उम्मीद थी ना कि बड़े बड़े उस्ताद या यूट्यूबर हमें आके मिलेंगे, तो कोई ऐसा ख़ास एक दो यूट्यूबर आए हमारे प्रोग्राम में। ठीक है, और हम चाह रहे थे कि बड़े बड़े सवाल जवाब करेंगे। आए बंदे आए, तकरीबन 2-3 प्रोग्राम हमने अटेंड किए हैं यहाँ के बॉम्बे के। बातचीत हुई उनसे, दुआ सलाम होती रही। तो ये देखें, ये स्टाइल में हमारे डायमंड फ्रोज लेट गए जी मज़े लेने के लिए। तो दोस्तों देखो, ऐसा मौका कभी नहीं गंवाना चाहिए आपको कि कोई फ्री में आपको वो चीज़ें बातें बताने आया जो कोई उस्ताद पैसे पैसे लेने पर भी आपको जल्दी से नहीं बताएगा। ठीक है, पैसों में भी ऐसी बातें नहीं होती दोस्तों। और हम 22 तारीख से निकले लुधियाना से और गोल्डन मुल्ला जी के यहाँ पहुँचे, वहाँ से बुल्ढाना पहुँचे, वहाँ प्रोग्राम किया। ठीक है, मंगलूर में प्रोग्राम किया, अमरावती में प्रोग्राम किया, बुल्ढाने में प्रोग्राम किया। ठीक है, मुंबई में आके प्रोग्राम किया, मुंबई से बाहर जो है भिवंडी में जाके प्रोग्राम किया हमने, वहाँ की वीडियो भी डालेंगे। और बॉम्बे में भी खैर प्रोग्राम हुए, टाइम पास नहीं हो रहा था इसलिए वीडियो बना रहा हूँ मैं कि हर बात, हर नॉलेज हर कोई इस तरह शेयर नहीं करता दोस्तों जिस तरह हम शेयर कर देते हैं। हमारी ज़िंदगी एक खुली किताब है। हमारा चैनल वो काम करता है दोस्तों जो काम हर किसी के बस की बात नहीं है। खाली YouTube पर बैठ के बोलना और उसको रियल में करके दिखाना बहुत मुश्किल हो जाता है। हमारे भाई जितनों ने भी हमारी मीटिंग अटेंड की है या हमसे मिले, उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप प्लीज़ दुनिया को पता चले कि हमसे आपकी मुलाकात हुई, हमने सवाल जवाब किए और आपने जितने भी सवाल किए, क्या इस भाई की जबान कहीं लड़खड़ाई जवाब देने में? क्योंकि देखिए, गोल्डन मिल्ला जी तो ढेर हो गए, क्योंकि देखो हमने जितनी मीटिंगें भी की, उस्ताद भी थे वहाँ, खलीफा लोगों से भी मुलाकात हुई, शागिर्दों से भी हुई, नए आदमियों से भी हुई। हमारी जबान, अल्लाह का रहम व करम रहा, अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र रहा कि हमारी जबान दोस्तों कहीं नहीं लड़खड़ाई। जिसने जो सवाल किया, जिसने भी जो सवाल किया, झकास बिंदास जवाब देने का। ठीक है, हमने सबको पूरे जवाब दिए, कोई ऐसा ऐसा सवाल हमारे सामने नहीं आया, कोई भी ऐसी बात हमारे सामने नहीं आई कि किसी ने कोई हमसे बात की या हमसे कोई सवाल किया और हमारी जबान चुप होगी कि इनने क्या पूछ लिया। हम चाहते थे कि हमारे साथ कोई ऐसा सवाल करे कि हम जवाब सोचे कि क्या कहें, अब इनने क्या पूछ लिया। ऐसा कुछ नहीं हुआ। अल्लाह ने बहुत ही इज्जत रखी, अल्लाह का बहुत ही बड़ा रहम करम और अल्लाह का शुक्र है कि हमने 15 दिन के टूर में जितने भी सवाल जवाब हुए, फटाफट जिंद जान बहुत अच्छे जवाब दिए हमने। लोगों का दिल खुश हुआ, जितना हमने ज्ञान देना था उन्हें समझाना था समझाया। रातों को 3-3 बजे तक हमने ज्ञान की बातें की, हर बात वो उनके साथ शेयर की जो उनकी ज़रूरत थी। और बहुत से भाई तो हमसे ऐसे मिले दोस्तों जैसे कि वो चाह रहे थे कि यार कोई नुस्खा पानी शेयर हो जाए, हमें नुस्खा पानी पता चल जाए। तो वो कह रहे थे इमरान भाई बता दो यार प्लीज़। तो दोस्तों जो हम रियल में यूट्यूब पे है ना, आई एम ए रियल मैन। ठीक है, आई एम ए रियल मैन, जो हम यूट्यूब पे हैं वही रियल में है। क्योंकि हमसे जिन बंदों ने मुलाकात की, उन्होंने देखा यार ये जिस तरह यूट्यूब पे बोलता वैसी रियल में है, तो
तो उनके मुंह से भी निकला है यार, रियल मैन हो आप बिल्कुल ही, जो आप यूट्यूब पे समझाते हो वैसी हकीकत में आपने हर बात का सामना किया और हर बात का जवाब दिया, तो हमें बहुत अच्छा लगा। मगर जो भाई इस उम्मीद से आए थे कि इमरान भाई शायद कोई नुक्सा पानी बता देंगे, तो वो वैसे ही निराश लौट गए जैसे यूट्यूब पे से हमसे बंदे निराश लौट जाते हैं। तो हमारा सीखना सिखाना अच्छा रहा, भाइयों से बहुत अच्छी मुलाकात हुई हमारी, और बहुत से ऐसे सवाल जवाब की जवाब देने में दोस्तों बहुत मज़ा आया। और एक एक लड़का ऐसा आया था कि उसने कहा था कि मेरे उस्ताद ने मेरे को ये समझा के भेजा था कि ये सवाल करना, देखना कि वो जवाब देगा या नहीं देगा। और कसम से हमने, अल्लाह का बहुत ही बड़ा रहम करम रहा कि हमने जवाब दे डाले, अरे धो डाला बिल्कुल ही, ऐसे ऐसे जवाब दिए कि उनके उस्ताद भी हैरान रह गए। तो दोस्तों आपने एक मौका गवा दिया कि हम चलकर आपके एरिया में आए, आपके शहर में आए, और आपने वो मौका खो दिया कि हाँ यार कुछ नया सीखने को मिलता। जिन्होंने सीखा उनसे रिक्वेस्ट है कि वे कुछ छोटी सी वीडियो बना के भेजें, जितनों से भी मेरी मुलाकात हुई कि छोटी सी वीडियो बना करके भेजें कि हाँ कि इमरान भाई से हमने सीखा, जो बातें की वो हमें सीखने को मिली और इमरान भाई ने हमें वो बातें बताई, ठीक है, ताकि दुनिया को पता चले कि हाँ ये जिंद जान इमरान खान आए थे बॉम्बे, बुल्ढाना, अमरावती, मैंगलोर, भिवंडी, बहुत जगह गए हम, और जो भी बातें पूछी गई उन्होंने जैसे जवाब दिए, आप वीडियो बना के हमारे पास भेजिए, हम यूट्यूब चैनल पर उसको शो करेंगे, भाइयों को बताएंगे। और ये डायमंड फ्लोस तो हो गए ढेर, इन्हें नींद आ रही है क्योंकि अभी हम एक प्रोग्राम करके आए, उसमें हमें 2:30 बज गए और आते ही हम रूम पे पहुँचे अपने, वहाँ से बैग लिया सीधा एयरपोर्ट आ गए, ठीक है, तो टाइम पास कर रहे हैं अभी। तो दोस्तों जहाँ तक हो सके प्लीज़ यार, अगर शो कर रहे हो तो सीखना सिखाना करो, क्योंकि ज्ञान बांटने से पड़ता है। ठीक है दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।